आदत है जो ये आदत है जो बहुत जो मेरे माँ बाप हैं दोनों दे आर वेरी वेरी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. तो हमेशा उन्होंने इनक्रेज किया कि बोध जोया और मैं पढ़ें, क्योंकि अगर आपको लगा कि आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फर्स्ट इज रीड एंड द सेकेंड थिंग इज राइट. आई थिंक दोज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो आई ऑलवेज इन्जॉयड रीडिंग. मेरा मेन इंटेंशन वही था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूँ जो लोग ये ना सोच पाए कि बस ऐसे ही किसी कमेडियन ने मतलब निकाल के एक किताब लिख ली हुई. तो मैंने इसको बहुत ही सोच दिया, मैंने खुद बहुत ही सारा रिसर्च किया, कई किताबें मैंने, कई रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह बहुत ही बार 3 साल के लिए मैं रिसर्च ही करा था इस किताब के लिए. तो वही मेरी मतलब मेरी कोशिश वही रही थी कि मैं एक सीरियस ही किताब लिखूँ जिसमें एक कॉमेडी वगैरह ज़रूर हो. तो एट द एंड ऑफ इट वो ऐसी किताब भी है जिसमें मतलब सीरियस तो ज़रूर है पर कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा है उसमें. बुक लिखने का नहीं, इस वक्त नहीं, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर स्क्रिप्ट आते हैं, तो इट्स इन अ स्क्रीन प्ले फॉर्मेट विच इज़ वन काइंड ऑफ अ बुक ओनली आई गेस इफ यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट. सो वी राइट स्क्रीन प्लेज विच आर ऑल्सो स्टोरीज. But they're kind of different from writing a book like this. The idea is that after you die, you're dependent on how you've lived your life. Your soul is divided into 7 different categories. So Monday is if you're a sinner, and Tuesday is something. Thursday is if you're immediately reincarnated. Saturday is if you've attained salvation and pissed the hell off everyone else off. And Wednesday is a soul who commits subconscious suicide by over drinking, over smoking, over whatevering. So the Wednesday soul is a story about a woman who does pretty much that. We are rating this event